देखिए, इसको ऊपर खींचने से ये बंद हो गया इस तरह से, और इसको नीचे पुश कर दीजिए, ये जो है इसको नीचे पुश कर दीजिए, ये खुल गया। क्वालिटी बहुत बढ़िया। ये देखिए, मेरी बेटी आज कुछ ज़्यादा बिजी है, कुछ बना रही है। जी हाँ, व्हाइट सॉस पास्ता बना रही है। उसका डिमांड था कि आज व्हाइट सॉस पास्ता बनेगा, और वो खुद बना रही है यहाँ पे। और बहुत सारा काम कर लिया है उसने, पास्ता को उबाल लिया है, और यहाँ पर साइड में वेजिटेबल्स भी बहुत ही अच्छे से उसने कट कर लिया है, और साइड में सारे मसाले उसने रेडी करके रख दिया है, ब्लैक पेपर पाउडर, हर्ब्स और चिली फ्लेक्स। और यहाँ पर वो गार्लिक को बारीक काट के यहाँ पे वो भून रही है, सोते कर रही है यहाँ पे, अच्छे से फ्राई हो जाए ये। और यहाँ पर मैं बस सस बना रही हूँ, यहाँ पे 2 चम्मच बटर के साथ 2 चम्मच मैदा डाल रही हूँ, और इसको ना अच्छे से मिला लेंगे और भुनेंगे 3-4 मिनट तक। अगर मैदा को अच्छे से नहीं भुनेंगे तो क्या होगा ना, सस जो है हमारा कच्चा रह जाएगा। तो अच्छे से यहाँ पर देखिए, बटर के साथ अच्छे से हमारा मैदा जो है वो मिक्स हो गया है। अभी इसको 3-4 मिनट के लिए भुनेंगे, और साइड में बेटी फ्राई कर रही है जो वेजिटेबल्स है, उसका तैयारी कर रही है। और ये देखिए, मैं यहाँ पे भून रही हूँ, और पहली बार बना रही हूँ ना, इतना आइडिया भी नहीं था, तो सॉस थोड़ा सा शायद कम हो गया, और थोड़ा ज़्यादा होना था, क्रीमी होना था, और थोड़ा सा सॉस ज़्यादा होने से अच्छा लगता, क्योंकि जो हमारा पास्ता था ना बहुत ड्राई हो गया। और देखिए, यहाँ पर 2 कप दूध डाल के मैंने ना मैदा के साथ अच्छे से मिला लिया है, गाढ़ा भी हो गया है। इस तरह से अच्छे से मैदा भूनने के बाद मैंने दूध डाल के इसको अच्छे से इस तरह से देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अभी डाल दिया है मैंने मसाला, जो चिली फ्लेक्स था, ब्लैक पेपर पाउडर और जो हर्ब्स था डाल के, यहाँ पे वेजिटेबल्स भी फ्राई हो चुके हैं, यहाँ पे सॉस पे डाल देंगे, और पास्ता जो हमने उबाल के रखा था ना उसको भी अच्छे से वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद पास्ता डाल के अच्छे से देखिए ना, ये जो सॉस था ना थोड़ा सा ड्राई हो गया, तो इसलिए इतना अच्छा, मुझे तो ऐसे भी अच्छा नहीं लगता ये व्हाइट सॉस पास्ता। वो जो व्हाइट सॉस पास्ता मैंने आपको दिखाया था ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है वो व्हाइट सॉस वाला जो पास्ता, क्योंकि ना उसमें खट्टा होता है, ना मीठा होता है, सीठा होता है, कुछ भी नहीं होता है, टेस्ट ही नहीं लगता है मुझे, मैं क्या करूँ। लेकिन बेटी का डिमांड था, वो खुद बनाई, मैंने थोड़ा सा बस हेल्प कर दिया, तो उसको मन था व्हाइट सॉस पास्ता खाने के लिए, मैंने कहा चलो बना लेते हैं, क्या वो था आराम से खा लिए हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड ना, उसमें केचप, टमाटो केचप ये सारे डाल के हम लोगों ने थोड़ा सा खट्टा ये सब करके खा लिया हमने, जैसे तैसे करके खा लिया। वो व्हाइट सॉस वाला पास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या करें, अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी पसंद होता है। लेकिन तो देखिए, मैं अमेजोन से कुछ मंगाया था, तो पार्सल आ गया है, कल से आ गया है, तो खोलते हैं क्या है देखते हैं। इसमें सिलिकॉन किचन यूटेंसिल्स, ये सिलिकॉन का है, तो खोल के देखते हैं अंदर क्या है। ये देखिए, बक्स के अंदर बक्स है, और यहाँ पर रिसीट भी आई है। ये देखिए, ये है सिलिकॉन का जो सेट आता है ना, ये वो है, मेरे पास नहीं था, एक भी नहीं था, हाँ एक था, मेला से लाई थी मैं, 20 रुपया वाला एक लाई थी, लेकिन ना वो टूट गया, उसका जो हैंडल प्लास्टिक का था वो टूट गया। तो ये मैंने पूरा सेट मंगाया है, ये इसका जो हैंडल है ना, ये देखिए, ये इस तरह से लकड़ी का है, तो जब हम लोग कुछ करेंगे या जैसे कढ़ाई पे छोड़ देते हैं, हमारा आदत होता है कढ़ाई पे इस तरह से छोड़ देते हैं, तो ना जो प्लास्टिक वाला होता है ये यहाँ पर ना चिपक जाता है, ये मेल्ट हो जाता है ऐसे रखते हुए, तो ये लकड़ी का है, तो ये दिखने में भी सुंदर है, और अगर कढ़ाई कुकर में भी छोड़ देते हैं तो ये चिपकेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा, इसका मतलब है, तो इसलिए मुझे, मेरे पास सिलिकॉन का एक भी नहीं है,
बस एक छोटा सा ब्रश है रेड कलर का, जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ वो था। तो ये है 11, इस तरह से बहुत ही हेवी है, अच्छा तो लग रहा है, देखते हैं कैसा निकलता है। यूज़ करने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू भी दे दूँगी। तो इसके स्टैंड के साथ ये आया है, एक डिब्बा है, इसके अंदर रख दीजिए इस तरह से। मुझे बहुत पसंद आया, देखिए कितना स्टाइलिश भी लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। देखिए कितना अच्छे से ना पैकिंग होके आया है, पॉलीथीन इसमें लगा हुआ है, सारे पॉलीथीन अभी निकाल के मैं आपको दिखा। देखिए सारा पॉलीथीन मैंने निकाल लिया, बस डिब्बे का लगा हुआ है, उसको रहने दूंगी, नहीं खोलूंगी। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, देखिए बिल्कुल सेट पूरा, कितना अच्छा लग रहा है नहीं। और ये जो है इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो है ना, ये जो है देखिए यहाँ पर जो ये है, ये तो आप कहीं पे भी झुला सकते हैं। तो ये जो है ऐसा खुला रहेगा, और इसको अगर आप ऊपर इस तरह से खींच लेते हैं ऊपर की ओर, तो ये बंद हो जाएगा। ये देखिए ये बंद हो गया, अभी खुलेगा नहीं, और इसको नीचे पुश करने से ये खुल जाएगा। कितना अच्छा है ना, ये देखिए बंद हो गया, नीचे खुल गया, बहुत ही अच्छा लगा। बस इसमें जो ये है ना, ये स्टील का है, ये उड़ का नहीं है, ये स्टील का है, ये भी स्टील का है इसका जो। इसका रिव्यू भी ना बहुत ही अच्छा था, तो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करना। आप लोग यूज करते हो क्या, क्या यूज करना चाहते हैं? पूरा कितना सारा सेट आ गया, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, मजा आ गया। ये जो डब्बा है ना, इसका जो स्टैंड है या कुछ भी बोल दीजिए, ये भी बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि ये देखिए बहुत ही इतना सारा इसमें आ जाता है, तो कितना हेवी है, तो ये कैसे गिर नहीं जाएगा। ये भी बहुत हेवी है, बहुत ही स्ट्रांग है, तो आराम से ये इस तरह से बैठ जाता है। ये जो सिलिकॉन का ये जो आप सेट देख रहे हैं ना, इसका ना बहुत सारा कलर है, बस रेड कलर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, रेड कलर, लेकिन इससे थोड़ा सा प्राइस हाई है उसका। लेकिन बाकी ग्रे है, ब्लू, लाइट ब्लू, ऐसा कुछ है, ग्रे है, ब्लैक है, तो वो सेम प्राइस में है, बस रेड कलर में जो है वो थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।